अस्सलाम वालेकुम, गपशप विद नादिया के साथ आज मैं हूँ नादिया शेख आप लोगों के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक और फर्स्ट क्लास होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है। बहुत से लोग जो है न्यू यूट्यूबर्स हैं, जब वो वीडियो बना रहे होते हैं तो उनको जो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं उन्हें समझना है कि हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो इस वीडियो में आपको मैं 2 से 3 सॉफ्टवेयर भी बताऊँगी, ठीक है? वीडियो को एंड तक देखें, मैं आपको 2 से 3 सॉफ्टवेयर बताऊंगी कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, उन सॉफ्टवेयर के कौन से फीचर्स हैं जो आपकी वीडियो को एक अच्छा लुक देने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सेकेंडली, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप काइन मास्टर को यूज़ करेंगे। काइन मास्टर में कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। क्रिएटिव विजन, उसका बताऊँगी कैसे आपने डाउनलोड करना है। और इसके अलावा बहुत सी काइन मास्टर में ऑप्शन होते हैं जो आप यूज़ करना चाह रहे होते हैं अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आप नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि वो आपकी वीडियो, उनको जो आपका काइन मास्टर आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में होता है वो क्रिएटिव विजन्स नहीं होता। तो वो सारी ऑप्शंस जो ओपन नहीं होते और क्रेडिट्स करके आप ख़रीदना पड़ते हैं, आप वो सब ओपन और कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। ये चलते हैं, पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि कैसे आपने काइन मास्टर को डाउनलोड करना है और फिर आप उसके फीचर्स को कैसे अपनी वीडियोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा उसके आखिर में मैं आपको बताऊँगी आप और कौन से 2-3 सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो को एक अच्छी वीडियो को एक अच्छा लुक देने के लिए, ठीक है? तो मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गो। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ये जो काइन मास्टर है जो आपके पास है जिस पे वाटर मार्क आता है उसको कैसे हटा सकते हैं, और काइन मास्टर में जो प्रीमियम्स हैं वो आप चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आपको उसका क्रेडिट करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना काइन मास्टर विदाउट वाटरमार्क डाल सकते हैं और इसकी सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो 1 by 1 तमाम स्टेप्स को गौर से देखिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए और आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियो बना सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो देख रहे हैं काइन मास्टर मेरे लैपटॉप में, सॉरी मेरे मोबाइल में मौजूद है, मैं बैक कर देती हूँ, लेकिन ये वाटरमार्क है, ठीक है? आपने क्या करना है, सिंपली आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है कि आपके जो सेलफोन में आप प्ले स्टोर पे जाके काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? प्ले स्टोर पे आप जाएं, आप जाके अपने काइन मास्टर को डाउनलोड कर लें। जब आप काइन मास्टर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से आप क्लिक काइन मास्टर, ठीक है, ये आप लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा, ठीक है? आपने इसे डाउनलोड कर लेना। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, इसलिए मेरा ओपन का बटन आ रहा है, ठीक है? आप जब इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये वाटरमार्क वाला होगा, लेकिन जब आप डाउनलोड करेंगे कि आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके अनइंस्टॉल कर देना है। यहाँ से आपने पहले प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर देना है, जैसे कि मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है, ये देखें, ठीक है? अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे काइन मास्टर वो चाहिए जो वाटरमार्क विदाउट वाटरमार्क हो और उसके तमाम प्रीमियम के जो भी हेड्स हैं वो ओपन हो जाएं, यानी कि म्यूजिक्स वगैरह मेरा सारा ओपन हो जाए। अब देखिए मेरा यहाँ से काइन मास्टर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताऊँगी कि हम काइन मास्टर का क्रिएटिव विजन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगी यहाँ पर अपने गूगल पर, या आपने गूगल खोल लेना, ठीक है? गूगल खोलने के बाद मैं आपको एक वेबसाइट बता रही हूँ, आपने ये वेबसाइट यहाँ पे जाके लिखना है। यहाँ पे आप जाके लिखना है आपने REVDL.com। लिंक मैं इसका नीचे आपको दे दूँगी, आप जस्ट इसको लिख देना है। आप जब इसे लिखेंगे तो ये भी मेरा थोड़ा सा नेट करम अस्सी स्लो है, लेकिन ये ओपन हो रहा है, ये देखें जी, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँगी, यहाँ से आप कोई भी गेम जो क्रेडिट पे यूज़ होती है, गेम्स हो जाएं या कोई भी स्टोर हो जाए, वेबसाइट हो जाए, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ऐप आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, गेम विदाउट वाटर मार्क, यहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर जाके आप काइन मास्टर चाहें तो ढूंढ सकते हैं, कि मैं ढूंढ नहीं रही, मैं यहाँ पर जाके डायरेक्ट काइन मास्टर टाइप कर देती हूँ। टाइप करने के बाद ये मैंने काइन मास्टर टाइप करने के बाद मैं वो के बटन क्लिक करके अब ये हमारा काइन मास्टर यहाँ पे आ जाए। देखें जी, ये काइन मास्टर मेरा आ चुका है। अब ये काइन मास्टर और इसका आप ये विजन्स देख लें, ठीक है? इसमें मेन जो चीज़ आपने देखनी होती है वो इसका एडिटर्स वगैरह, ये जो चीज़ है ये आप नोट कर लें, आपने यही वाला डाउनलोड करना है। इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। नीचे आप जाते जाएँ, ये मैं जा रही हूँ, आप देखें, सिंपल, ठीक है जी, इसे आप कर दें क्लिक, ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने इसको करना है इंस्टॉल, ठीक है?
ये आप जैसे ही नीचे जाएंगे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये है विदाउट वाटर मार्क वाला आपको मिलेगा। ये नीचे जाएंगे, ये आपको नीचे जाके यहाँ पे गो टू डाउनलोड पेज या डाउनलोड साइज, ये आ गया जी डाउनलोड ऑप्शंस। यहाँ पे इस डाउनलोड ऑप्शन को आप जब क्लिक कर देंगे, ठीक है, फुल साइज़ का हम यहाँ पे इसे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड क्लिक इस पे मैं क्लिक कर दूँगी। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गो टू डाउनलोड में जाएंगे, अब इसमें ये मेरा पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं जूम करके दिखाती हूँ कि ये देखें यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने कौन सा डाउनलोड करना है। ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, ये आपने बहुत ध्यान से इस पर क्लिक करना है, वरना आपका पूरा का पूरा जो वर्जन्स है वो सही डाउनलोड नहीं होगा, कोई भी कहीं गलती हो सकती है। तो आपने इसमें ये मेरा जो सबसे ऊपर में जो सबसे फर्स्ट पे आ रहा है 4.13.7.15948, ये बेसिकली एक अच्छा है जिसमें आपको न्यू फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगी, क्लिक करने के बाद ये आपको डाउनलोड ऑप्शन देगा, जैसे कि मैंने इस डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर दिया, अब ये मेरा डाउनलोडिंग पे चला गया, अब ये फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। अब जब तक ये डाउनलोड होती है, डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो मैं ये ज़रा डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। थोड़ी सी वीडियो यहाँ से कट कर दूँगी ताकि ये डाउनलोड हो जाए। जी दोस्तों, अब मेरा जैसे कि ये काइंड मास्टर डाउनलोड हो चुका है, लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब मैं अपनी फाइल्स में जाऊंगी, मार्क फाइल्स में जाऊंगी और मैं उसमें से जाके अपना ये डाउनलोड ऑप्शंस ओपन करूंगी। यहाँ पे मुझे जो है डाउनलोड किए हुए काइंड मास्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये मेरा काइंड मास्टर यहाँ पर डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन करूँगी, ठीक है। ये मेरी सेटिंग जो है ऐप की वो ओपन हो रही है। उसके बाद ये देखें आपको इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, यहाँ से हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ से इंस्टॉल के बटन में जब मैं क्लिक करूँगी तो ये इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें आप, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपका अभी ये काइंड मास्टर विदाउट वाटरमार्क और तमाम न्यू फीचर्स के साथ ओपन हो जाएगा। प्रीमियम के तमाम फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ये हमारा अभी डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, लेकिन ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे इसका आइकन शो होना शुरू हो जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे देखें आप, ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से इसे ओपन के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। काइंड मास्टर डाउनलोड हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली इसको अलाउ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वीडियो एडिंग फंक्शंस काइंड मास्टर नीड टू एबल टू एसेस योर डिवाइस स्टोरेज टू ओपन एंड सेव प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आपकी वीडियो ऑडियो के लिए ये आपसे परमिशन मांग रहे हैं। तो आपने क्या कहना है, आपने सिंपली इसको अलाउ कर देना। जब आप इसको अलाउ कर देंगे तो ये ऑप्शंस होने के बाद ये काइंड मास्टर आपका वर्कन शुरू है, अब ये ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने अपना पुराना, क्योंकि ये डिलीट किया था, तो मेरे सारे पुराने प्रोजेक्ट जो मेरे बने हुए थे वो सब शो होना शुरू हो गए। अब मैं अगर इस ओल्ड प्रोजेक्ट को ओपन करती हूँ तो आप ये देखिएगा, ये मैं एडिट के बटन में, मेरा जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया था ये वो ओपन हो गया, ठीक है। यानी कि मैंने जो प्रोजेक्ट अगर आपका बना हुआ है तो वो डिलीट नहीं होगा। ये देखें, तो हम देखने और सुनने वाले दोस्तों को गपशप विद नादिया का सलाम, कैसे हैं? ये मेरी वो वीडियो है जो लास्ट मैंने बनाई थी, जैसे कि आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। और ये मेरा प्रोजेक्ट दोबारा वैसे का वैसे ही इसमें शो हो गया। इसके बाद यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। इसके और ऑप्शन देखें, अब इसमें कोई ऊपर वाटर मार्क नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसकी गैलरीज में जाकर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी तो ये वो सब चीज़ें हैं जो प्रीमियम होती हैं, जो आप क्रेडिट करने के बाद ओपन करते हैं, ठीक है। वो सब आपकी ओपन होना शुरू हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं सारा कुछ आपका ओपन होगा जो आप प्रीमियम यानी कि आप क्रेडिट करने के बाद ओपन करते हैं। हर चीज़ में आपको अलाउ कर दिया प्रीमियम, उसने अलाउ कर दिया कि आप प्रीमियम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपनी गैलरीज यानी कि अपने लिए जो भी आपने
फिर न्यू वीडियोस के लिए जो भी व्लॉग्स वगैरह कुछ भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली काइंड मास्टर डाउनलोड करने का मैंने इजी तरीके बताया, वन स्टेप को फॉलो करें, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पता चल गया कि इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ जो मैं दूसरा ऐप यूज़ कर रही हूँ वीडियो एडिटिंग करने के लिए, वो जो आप एंड्रॉइड मोबाइल्स में यूज़ कर सकते हैं वो है फाइल मोर गो। ये मेरे काइंड मास्टर के बिल्कुल साथ फाइल मोर गो है। एक फाइल मोर गो 9 आता है जो हम पीसी वगैरह में यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है, इसमें भी नो वाटर मार्क है, ठीक है, कोई वाटर मार्क नहीं आता। हाँ, वीडियो के एंड में जाके आपको सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड्स की इसका लोगो आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ से अगर मैं इंस्टा स्टार्ट करती हूँ, ये मेरा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैं अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं कोई भी अपनी वीडियो सेलेक्ट कर सकती हूँ कि जिसको मैं एडिंग करना चाहती हूँ। एडिंग करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से उठा लेती हूँ ये कैमरा खोल के, एक वीडियो, एक छोटा सा सॉन्ग्स है मेरे पास, मैंने इसको उठा लिया, इसे मैं आगे कर दूँगी यहाँ से फ्रंट, और ये नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें, ये मेरी वीडियो ऐड हो गई। अब इसमें बाकी सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे, कोई वाटर मार्क्स वगैरह नहीं है। यहाँ पे जाके इसका थीम चेंज कर सकते हैं हम, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसके ट्रांजैक्शन को चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन चेंज करने के बाद जैसे कि ये मेरे पास अभी मैंने नेट बंद किया हुआ, इस वजह से चल नहीं रहा। तो इसके बाद इसके अंदर एडिटिंग टूल्स आ सकते हैं। एडिटिंग टूल्स में देखें, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, सारी सहूलतें मौजूद हैं, और ये काइंड मास्टर की तरह एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जैसे कि काइंड मास्टर और सेकंड में फाइल मोरो को बहुत ही अच्छा ऐप है एडिटिंग करने के लिए, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। यहाँ से जाके आप इसे सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद ये प्रोजेक्ट साथ साथ चलता जाएगा और साथ साथ सेफ हो जाएगा। सेफ होने के बाद इसके एक ऑप्शन आती है, उसमें आपने क्लिक करने के, आपने डायरेक्ट इसे यूट्यूब पे डालना है या इसे अपनी गैलरी में सेव करना है, जो भी आएगी मैं अभी आपको बताती हूँ, भी आप देखें। सब कुछ एडिटिंग करने के बाद आपने इसको प्रोजेक्ट को सेव करना है। सेव करने के बाद 6 सेकंड का आखिर में लोगो आता है, वहाँ से आप 6 सेकंड के अपनी वीडियो को बाद में या वीडियो को अपलोड करना कट कर सकते हैं। अब ये देखें, सारी ऑप्शंस आ गई है, यूट्यूब पे दे सकते हैं आप, व्हाट्सअप पे डालना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या ईमेल करनी है, डायरेक्ट यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको अपनी गैलरी में सेव करना है तो आप सेव टू कैमरा रोल पर क्लिक कर देंगे तो ये सेफ हो गया मेरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी आएगी, तो आप मेरे साथ रहिएगा, और कोई बात समझ ना आई हो तो मुझे आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।